नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी कार्नेशन प्लांट के बारे में। ये जो डायंथस है उसी की फैमिली का प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट मैं जब यहाँ आई थी तभी लेकर आई थी, आने के थोड़े से दिन बाद, तो लगभग 2 महीने के करीब हो गए हैं इसको। तब ये इतना बड़ा नहीं था तो मैंने इसको इस बड़े गमले में लगा दिया था। और बड़े गमले में लगाने के बाद ये देखिए किस तरह से फैल चुका है, और इसके फूल देखिए आप कितने प्यारे हैं, कितने सारे फूल आए हुए हैं इस पर। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये प्लांट सीजनल है, आप इसे अक्टूबर में नवंबर में लगा सकते हैं। तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखें, कार्नेशन, और डायंथस फैमिली का ये प्लांट है। बिल्कुल डायंथस के जैसे इसके फूल है, लेकिन डायंथस एक प्लेट में रहता है। इसके जो फूल हैं वो डबल डबल प्लेट, 3 प्लेट इसमें हैं। काफ़ी बड़ा फूल है इसका, और फूल भी इस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, तो आप अलग अलग कलर्स के भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेन चीज़ है वो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही कमाल के होते हैं, और मैंने आज तक अपनी जितनी भी गार्डनिंग की है मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ किए हैं। कभी मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आज तक यूज़ नहीं किया है। तो मेरी पहली भी बालकनी थी, और अब भी आप देख सकते हैं मेरे बालकनी में खूब फूल आते हैं हमेशा। बहुत अच्छे मुझे हर चीज़ में रिज़ल्ट मिले हैं जब भी मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किए हैं, और आपके साथ समय समय पर शेयर भी किए हैं। तो अब जैसे गर्मी है तो गर्मियों में भी जो भी फूल वाले पौधे आप लगाते हैं, गर्मियों में प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी ना दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो 15 से 20 दिन में ही फर्टिलाइज़र दें। ओवर फर्टिलाइज़र भी पौधों को ख़राब करने का कारण होता है। देखिए इस तरह से इसमें कई कई प्लेट्स हैं इसके, जो फूल हैं कितने प्यारे फूल हैं इसके, और इसमें कई कलर्स आते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है, और इस पर कितनी कलियाँ भी आ रही हैं और कितने सारे फूल खिले हैं। गमला इतना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों मैंने जब इसको लगाया था, जो इसकी मिट्टी है उसमें मैंने जो मिट्टी ली थी उसमें कंपोस्ट मिलाया था लगभग बराबर मात्रा में। तो जब भी आप फूल वाले कोई भी पौधे लगाएं तो उसमें आप जितनी भी मिट्टी लें उसके बिल्कुल बराबर ही मात्रा में, और बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही खाद मिलाएं। क्योंकि जितने भी अगर आपको अच्छे फूल पाने हैं तो मिट्टी में खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप जैसे 40% मिट्टी लें तो 60% खाद मिला लें, या फिर 50-50% दोनों चीज़ मिला लें। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद अवेलेबल हो उसको ही आप उसमें बराबर मात्रा में मिलाएं, और फिर आप उसको पौधे को लगाएं। तो उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मिट्टी जो है वो सॉफ्ट रहनी चाहिए, वेल ड्रेन हो। अगर मिट्टी हार्ड है तो उसमें आप नदी वाला रेत मिला लें थोड़ा, ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और ड्रेनेज अच्छा हो जाए मिट्टी का। कोई भी पुराना फूल हो उसको तुरंत हटा दें। फूल हटाने से हमारे प्लांट्स की नई ग्रोथ अच्छी होती है, वहाँ से जहाँ से भी हम फूल तोड़ते हैं, और हमारा जो पुराना फूल है वो बीज बनने लगते हैं उसमें, तो फूल फिर कम हो जाते हैं आने। इसलिए तो बीज नहीं बनने देना, हमें तुरंत ही फूल को तोड़ देना है। कभी भी जब भी किसी पौधे पर फूल आए वो पुराना हो तो आप उसको तुरंत तोड़ दें, ताकि वहाँ से फिर नई नई कलियाँ आती हैं और नई नई ग्रोथ शुरू होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, देखते रहना कोई भी पीली पत्ती है, कोई भी पुराना फूल है उसको हटा देना। फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार दें। आप कोई भी खाद है आपके पास, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसको पानी में भिगो के रख दें लगभग 5-7 दिन के लिए। उसमें से कुछ पानी निकाल कर जैसे आपने एक डब्बा जो खाद वाला पानी है वो लिया, उसको 5 से 7 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को दे दें। ये सबसे अच्छी खाद है, पानी लिक्विड रूप में बिल्कुल जड़ों तक पहुंचती है, और काफ़ी अच्छा इससे पौधा पोषण लेता है, बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, आप सरसों की जो खल होती है उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। पानी में भिगो दीजिए 5 से 6-7 5-6-7 दिन के लिए, और उसको भी ऐसे ही 5 से 7 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को दीजिए। बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर फूल वाले पौधे हैं तो बहुत ही अच्छे फूल आते हैं,
और आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी फूल वाले पौधे हैं इनमें। जो कंपोस्ट ही है, जो मैंने अभी सबसे पहले मैं नंबर पर बताई थी, वो तो आप अपने फूल वाले पौधे, इंडोर प्लांट्स सब में यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए वो अच्छी है। सरसों की खल वाला फर्टिलाइज़र भी आप सब में यूज़ कीजिए, और फूल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो भी फूल के प्लांट्स हैं। इसके अलावा बनाना पील फर्टिलाइज़र जितने भी फूल वाले प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, गुड़हल के लिए बहुत ही बढ़िया है। बनाना के छिलके हम फेंक ही देते हैं, उनको पानी में डालिए और उनको उस पानी को फिर ऐसे ही दुगने तिगने पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को दे दीजिए, तो हमारे जो पौधे हैं उन बहुत ही हरे भरे रहेंगे, खूब अच्छे फूल आएंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे, अगर हम ना माने तो कुछ भी नहीं है और माने तो बहुत कुछ है। तो बस यही आपको बताना था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही काम के होते हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से प्लांट्स में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और मुझे हमेशा मिले हैं। और कभी भी आप देख सकते हैं पीछे तक की वीडियोस में, मैं जितने भी प्लांट्स लगाए हैं उनमें कभी मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी केमिकल स्प्रे वगैरह कोई यूज़ नहीं की है, सब घर से बनाए हुए होते हैं या फिर ऑर्गेनिक जो मार्केट में मिलते हैं वो होते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हुआ या फिर काव डंक है या फिर सरसों की खल है, कुछ भी जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो, तो इन सब चीज़ों का ही यूज़ कीजिए दोस्तों। और पानी से स्प्रे करते रहें, कच्चे दूध का स्प्रे करते रहें, जो राख होती है उसको स्प्रिंकल कर दें पत्तियों पर, बहुत ही अच्छे रहते हैं। जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं उन पर अगर हम राख छिड़क देते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, राख से छिड़कने से जो कीड़े वगैरह का अटैक है वो बिल्कुल नहीं होता और पत्तियों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है और हमारे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा रख सकते हैं और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और देखिए बास्केट कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल फूलों से भरी हुई, धीरे धीरे भरती जा रही है फूलों से और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, कलरफुल फूल हैं, मैंने कई कई मिक्स करके लगाए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।